एचसी वर्मा का किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था। आज जैसे सातवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक गैस कंटेनर है जेड़ा बदबूदार प्रेशर 1×10⁶ पास्कल चल सकता है। तो इधर जो गैस भी है जिधर प्रेशर पहला है 8×10⁵ पास्कल, तो टेम्परेचर है 300 केल्विन। सिलेंडर नू स्टेडली हीट दिता गया है। असी मन्ना करी इस प्रोसेस दे विच वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पता करना किस टेम्परेचर ते आके सिलेंडर ब्रेक हो जाएगा। पहला कंडीशन रहने पहला प्रेशर किन्ने दा 8×10⁵ पास्कल। टेम्परेचर पहला है 300 केल्विन। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B1=B2। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 1×10⁶। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 10×10⁵ ਪਾਸਕਲ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਕੰਟੇਨਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। टेंपरेचर असी पता करना है किस कंडीशन में होगा। हुन कंटेनर दे विच वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस चेंज नहीं कीती, तो नंबर ऑफ मोल्स की होंगे सेम होंगे। तो आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे P1B1=N, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है T, टेंपरेचर एट स्टेट 1। दूसरे पास इक्वेशन नामेंगे P2B2 NRT2। ओकेशन नंबर 1, ओकेशन नंबर 2, इन्हें दोनों को आपस में डिवाइड करते सामने यह रिजल्ट मिलेगा P2B2/P1B1 NRT2/NRT1। आ कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम ने, वॉल्यूम कैंसिल हो जो B1=P2, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा हुआ है। फिल द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, पहला बाद में प्रेशर 10×10⁵ पास्कल हो जाएगा। प्रेशर पहले है किसी 10⁵, टेम्परेचर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 केल्विन वैल्यू पुट कर देना T2, ऐसे की वैल्यू निकल जाएगी। T2 की वैल्यू आ गई है 3000/8। 8 ना डिवाइड करेंगे ये कितना होगा 8×24 375 है। स्टूडेंट्स सम आंसर मिल गया 375 केल्विन। जे टेंपरेचर का 375 केल्विन हो जाता है तो यह सिलेंडर ब्रेक हो जाएगा। जे वीडियो सुनो बढ़िया लगी लाइक ते शेयर जरूर करना। धन्यवाद।